जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सिर्फ दो बड़ी खबरें बात करूंगा। एक बात करूंगा क्या पेंशन आपकी रुक सकती है, या पेंशन और एरियर के बारे में बात करूंगा। जिस तरह मैं बात करना चाहता हूं, पीसीडीए ने एक एडवाइजरी जारी किया है और इसमें दिया है कि जिसने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, करीब 2,40,000 लोगों की पेंशन रुकने का खतरा है। उनके लिए उन्होंने आगाह किया है कि आखिर करना क्या है। दूसरी बात कह रहा हूं, इस महीने में आपकी पेंशन बढ़ोतरी और एरियर आपके आएगी खाते में। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात कर सकता हूं, आपने एक हेडिंग न्यूज सकते रुक सकती है 2.4 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन। प्रयागराज ने ये आदेश दिया है और इसमें सारी कहानी लिखी है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी साइट पर एक हिंदी और अंग्रेजी में दो लेटर अपलोड किए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है उनमें आप भी हो, नहीं हो तो भी आपके लिए काम की खबर है, अपने दोस्तों के लिए। सूचित किया जाता है कि स्पर्श पेंशन भोगियों हित वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो 28 फरवरी 2023 सीमा दी थी वो समाप्त हो चुकी है। स्पर्श पेंशन भोगी जिन्होंने अपनी वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र अभी तक नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि वो 20 मार्च 2023 तक अपनी वार्षिक पहचान जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा मार्च 2023 से पेंशन हो जाएगी बंद। अब उन्होंने चार तरीके हैं, जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से, स्पर्श पोर्टल के माध्यम से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, स्पर्श पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, एसबीआई एपीआई स्पर्श पेंशन भोगी जिनका पेंशन बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, चार तरीकों से आप अपना कर सकते हो। वार्षिक पहचान को जमा कराने हेतु स्पर्श पेंशन भोगी अपने निकटतम जन सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर या विभागीय सेवा केंद्र या बैंक सेवा केंद्र में संपर्क करें। पेंशन स्पर्श भोगी जिन्होंने अपना वार्षिक किसी भी तरीके से करा लिया है वो उसकी जांच कर सकते हैं। उसकी लिंक दिया है http://spendpensiongov.on, इस पर जाकर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपने। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे लोगों को माइग्रेट किया जा रहा है स्पर्श के साथ सीधा सीधा। ये आपने न्यूज देखा होगा, इसमें लिखा है कि 2,40,000 है उसमें नेवी एयरफोर्स आर्मी के लोगों और सबको इस साल लगभग जून जुलाई तक मैसेज आएंगे, सब लोग स्पर्श के साथ माइग्रेट हो जाएंगे। सबके पास पासवर्ड आएगा, रेफरेंस आईडी आएगी, पासवर्ड को जरा लिखना है, समझना है, साइबर कैफे पे जाना है, बदलते हो तो अपनी डायरी में लिख के रखना। ये सारी जानकारी अब एक दूसरे के साथ शेयर करना जरूरी, ताकि कोई किसी को कोई मुश्किल ना हो। नहीं मुश्किल होती है, फिर लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। और ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपके साथ में साझा कर रहा हूं। दूसरी बड़ी बात कहता हूं दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन। जैसे कि आज दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला था कि पीसीडीए में आप नहीं कर पा रहे, तो मेरे पास ये टेबल नंबर 7 है का, और मेरे पास कम से कम मैं बता रहा हूँ 1,000 मैसेज आ चुके हैं और मैं करीब 600 से 700 का जवाब दे पाया हूँ। बाकी धीरे धीरे कल तक जवाब दूंगा, लेकिन ये बात श्योर है कि आपकी पेंशन बढ़ी है, ये कन्फर्म हो गया। अब आपका बैंक से आ रही है, स्पर्श से आ रही है, मैसेज आया नहीं आया मत घबराओ, मत परेशान हो। एक बार इसमें बढ़ी है और आपने मुझे डाटा दिया है तो 200% आपके खाते में इस महीने के एंड तक आएगी। पीसीडी ने कहा है कि बहुत सारा काम बढ़ गया है, अभी एक मुश्त एरियर भी देना है, तो मैं सीपीपीसी को भी आदेश जा रहे हैं, पीडीए को जा रहे हैं, पीसीडीए, बहुत सारा काम है करीब, आप समझ सकते हो। उन्होंने बोला है कि मेरे पास 32 लाख पूर्व सैनिक हैं, तो उनका सेटल करना और कुछ चीजें चेंज भी हो रही हैं सर्कुलर 667 की वजह से, तो सारों का आएगा। बस आप इतना पता कर लो कि मेरी कितनी बड़ी है, वो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा इतनी बड़ी है। और जो एरियर निकालने का तरीका है मैंने बताया, 52.26 से आप जो डिफरेंस है उसको गुणा कर दिए, दिसंबर 2022 तक का आपका अप्रोक्सीमेट एरियर आपको पता चल जाएगा, एक मुश्त खाते में आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करें, रहें सावधान। जय हिंद दोस्तों।